मेडिकल एप्लीकेशंस की बात अगर करूं तो मैं एक से शुरू करता हूं, पेन। और ये अपनी आंखों देखी बात भी बोलूंगा कि कई लोगों को पेन होता है, उसके कारण हम बाद में जाएंगे कि किस कारण होता है। वो पेन इतना अनबेरेबल हो जाता है कि पेशेंट डॉक्टर को बोलता है, भैया मेरी नस काट दे। जो नस, सपोज उस व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर है और प्रोस्टेट एरिया में असहनीय वेदना हो रही है और आपने सारी चीज़ें दे दी है, तो डॉक्टर को वो बोलता है, भैया मेरे को कुछ भी कर, सर्जरी वर्जरी कर, मेरे को मुक्ति दिला। ऐसे समय में डॉक्टर लोग मॉर्फिन नाम का एक पदार्थ है जो भांग से निकाला जाता है, इट इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ भांग, वो देते हैं और मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में दर्द शांत हो जाता है। ये पहला उसका एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, एक आपने उदाहरण दिया था कि एक कोमा में पेशेंट था, वो कोमा वाले पेशेंट का उदाहरण जरूर दीजिएगा। देखिए, मेरे जीवन में 3 कोमा पेशेंट्स आए और 3 में से 2 जिंदा हैं। एक संत थे, पहले ही एजेड थे, वो नहीं रहे। तीसरे का मैंने ट्रैक रिकॉर्ड रखा नहीं क्योंकि वो मेरी आदत नहीं है। वंस आई ट्रीट दी पेशेंट आई जस्ट फॉरगेट। तीसरा पेशेंट जिंदा है, उनके बारे में ये था कि कोमा में चले गए जिस किसी कारण से। 7 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे, उनने बोल दिया भागो, यहाँ डेथ हो जाएगी तो मेरा स्टैटिस्टिक्स खराब हो जाएगा। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए, गवर्नमेंट ने भी कुछ दिन रखा और वो बोले नहीं भैया इसके आगे हम रख ही नहीं सकते। तब मेरे को किसी ने कॉन्टेक्ट किया, क्या मैं दवा का नाम भी इंक्लूड करूं? करिए वर्मा जी, वो आवश्यक जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, आप क्योंकि फिर उसको तो बिना प्रोफेशनल परमिशन के वो देना शुरू कर देंगे वर्मा जी। ठीक ठीक ठीक, मैंने उस पेशेंट को वन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ भांग दिया और वो पेशेंट उठ के बैठ गया। पूछा मैं यहाँ क्यों, कैसे, और उसको फिर वो लोग नागपुर ले गए थोड़े दिन एक हॉस्पिटल में रखने के लिए। जिंदा पेशेंट है तो एडमिशन आराम से हो जाएगा। ऑब्जर्व किया कि हाँ ये वाकई जिंदा है और जिंदा रह रहा है, और वो वापस अपने नेटिव प्लेस चला गया। उस घटना को कम से कम 7-8 साल हो गए। 2 साल पहले तक मेरे को मिलती थी खबर कि वो जिंदा है, आपको मिलना चाहता है वगैरह वगैरह। इतनी काम की चीज़ है भांग, उसको लोगों को पूरी एप्लीकेशंस मालूम नहीं, सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई भांग बुरी चीज़ है। भांग बिल्कुल बुरी नहीं, इट शुड नॉट बी बैंड। आगे चलते हैं। अब दूसरे केसेस ऐसे कि लीवर में प्रॉपर्टी ये है कि भांग माने पॉपी सीड्स, उसका तेल अगर निकाला जाए और वो किसी व्यक्ति को पिलाया जाए तो ये सीधा सीधा लीवर में जाके इकट्ठा हो जाता है और कहीं नहीं। तो इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाया डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने, वो बोले इससे तो हम लीवर को अच्छे से स्कैन कर सकते। तो जितने लीवर कैंसर के पेशेंट आते थे उनको भांग के बीज का तेल पिलाते थे और फिर लीवर में इकट्ठा होने के बाद स्कैन करते थे और जान जाते थे कहाँ कहाँ कैंसर है, कम है, ज़्यादा है। और इसी तेल को उनने दूसरा उपयोग लिया। उन्हें ये देखा कि जब ये तेल लीवर पहुंच जाता है तो क्यों ना हम इस तेल में दवाइयां डालें, केमोथेरेपी के एजेंट्स, तो वो सीधे पहुंच जाएंगे लीवर में और टारगेटेड ट्रीटमेंट हो जाएगी कैंसर की। तो ये दूसरा उपयोग है, कितना महत्वपूर्ण है। मुझे तो समझ नहीं आता जब आप बोलते हो कि ये बैन हो रहा है, अरे भैया क्यों हो रहा है? थर्ड में अगर बैन है, हमेशा से बैन है, हाँ हमेशा से बैन है, प्रतिबंधित है, राजीव गांधी ने प्रतिबंधित किया, कंप्यूटर साइंटिस्ट राजीव गांधी अब उसका बेसिस क्या था, लॉजिक क्या था बैन करने का, कोई लॉजिक तो हो? फार्मा माफिया होगा बेसिस, गुंडों ने पैसा दिया होगा। तो बैन करने से उसके जो इलीगल सेल है वो बढ़ जाएगी और ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ हो जाता है? जैसे शराब बंदी करो और शराब महंगी बेचो, क्या उसी बेसिस पे इसका भी बैन हुआ था? एनीवे, हमारा वो फील्ड नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ भांग। आजकल लोग आराम से डिप्रेशन में चले जाते और
डिप्रेशन में जाते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट एक केमिकल है, आपको विडंबना बता रहा हूँ, भारत और भारतीयों की और मनुष्यों की। भगवान ने सूर्य की किरण में एक ऐसी पावर दी है कि वो जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सहसार चक्र उस पर पड़ती है, धूप में अगर हम बैठ जाएं 20 मिनट बैठ जाएं, तो ये सूर्य की किरणें हमारी एंडोक्रीन हमारी जो ग्रंथि है सहसार चक्र उसमें एक केमिकल बनाती जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरली ऑकरिंग एंटी डिप्रेसेंट है। और उसका फायदा क्या होता है, अब तीन लड़कियां उदाहरण के लिए लीजिए, 10वीं के एग्जाम दी, एक को 35% आए पास हो गई, एक को 50 आए ठीक है, और तीसरी को 98 आए, उसने जाके सुइसाइड किया। तीनों का स्टिमुलस सेम था लेकिन रिजल्ट्स अलग अलग मिले। क्यों उसने 98 ने सुइसाइड किया, क्योंकि 99 पे एडमिशन क्लोज होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की या दूसरे कॉलेजेस की, तो अब उसको मिलेगा नहीं एडमिशन, इसलिए सुइसाइड। दूसरी 50 की वो झूल रही थी, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव आस्पेक्ट्स में, 35% वाली ने सोचा पास तो हो गई ना। अब इनकी बैकग्राउंड अगर देखें तो 35% वाली ने सूर्य की धूप में बैठ के एंडोर्फिन बनाया जो छोटे मोटे स्ट्रेस को झेल लेता है और सुइसाइड तक की नौबत नहीं लाता, और 98 वाली ने कभी सूर्य की धूप ली नहीं होगी और इस कारण से थोड़ा सा स्टिमुलस मिला, थोड़ी गड़बड़ी हुई, सीधा सुइसाइड। इस तरह का ये भांग आजकल लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, बहुत नाम उसको देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, फिर ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव, उस रूप में इन पेशेंट्स को दिया जाता है, खास करके पीपल फ्रॉम हाई सोसाइटी और सेडेंटरी लाइफ। अगर ये भांग ना दिया जाए तो कई केसेस आपको मिलेंगे, या तो पागल हो जाएंगे और नहीं तो मर जाएंगे। तो ये उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है। कुछ लोग ऐसे भी आप देखते होंगे लाइफ में कि भगवान ने सब दिया है, बंगला गाड़ी धन दौलत नौकर चाकर, पर फिर भी नाहक चिंता करते और फिर भी दुखी के दुखी है, इनका क्या इलाज है। हम लोग करते हैं बहुत बढ़िया इलाज होम्योपैथी के द्वारा, लेकिन एलोपैथिक वर्ल्ड पूरे के पूरे इसी सीरीज को लेता है, नारकोटिक्स को लेता है जिसमें भांग भी आती है, और वो दवा देने से वो दुखी लोग सो कॉल्ड दुखी खुश हो जाते हैं, बढ़िया आराम से रहते हैं। एक और इसके एप्लीकेशन है प्रोलिटिस, दैट इज खुजली होना, जगह जगह बदन में खुजली होती, खुजली आदमी को मैड बना देती, और उसके लिए तो ये भांग ही चलती है। या तो आप खुजली का कारण निकाल करके ट्रीट कर दो, और वो कारण समझ में नहीं आता है तो भांग खिला दो, उसकी खुजली शांत हो जाएगी। इसके अलावा ये एक अच्छा कफ सप्रेसेंट है, खांसी सर्दी होती है कफ बहुत बनता है, इलाज समझ नहीं आता है, भांग खिला दो। अब भांग डिटेक्ट कैसे करते वो भी जानना जरूरी है। अगर मैंने भांग खाई तो मेरे यूरिन में भांग मिलेगी, अगर यूरिन में 1.3 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ यूरिन इतनी मात्रा में अगर आ जाती है यूरिन में तो उसको तो डिटेक्ट कर सकते, उससे कम आई तो किसी का बाप नहीं जान सकता कि भांग खाई थी या नहीं। और ये 2 से 3 दिन तक टिकती है शरीर में। अब इसका फायदा, अब इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने बोला नारकोटिक्स बहुत बड़ा बिजनेस है, ड्रग माफियाज आर मोस्ट पावरफुल माफियाज इन दी वर्ल्ड एंड वगैरह वगैरह, तो शायद वो एक रीज़न रहा होगा बैन करने का। पर मेडिकल एप्लीकेशन की बात करता हूँ और थोड़ा फन भी है उसमें। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है और वो लास्ट वाला पोर्शन जो हमारी